कैथल का बस स्टैंड पर पहुंच गई तो सोशल हरियाणा और अल चैलेंज की टीम और न्यू देखो कितने बाल कह रहे हैं तो मतलब कि बेरोजगारी बाल कितने पहुंच चुके हैं पैर टेकने में जगह नहीं और ये जितने भी प्राइवेट बस खड़ी है कैथल प्रशासन इनकी चालन नहीं दे रहा जो ड्राइवर कनेक्टर बात करी है यही समस्या आ रही है कि बस तो खड़ी है स्टूडेंटा में भरी है लेकिन बसों को चलने नहीं दिया जा रहा ये कैमरा मैन तक कहूँगा भीड़ दिखा दे वह कितनी भीड़ होगी और प्राइवेट बस छुट्टी आ रही है देश बिना की अनेकों बस आ रही है लेकिन प्राइवेट बसों को चलने नहीं दिया जा रहा बस अनेकों खड़ी है लेकिन स्टूडेंट साइड में खड़े है स्टूडेंट का साइड करते वह कैमरा मैन तक कहूँगा छात्रों को दिखा दे कोई बस नहीं चल रही प्राइवेट बस देखो वो कैथल का बस स्टैंड अरे छात्रों से बात करांगे लाइव उनकी के सुविधा मिली और के परेशानी है एज अ भाई राम राम भाई सर राम राम भाई जी कहाँ सताए और कहाँ जाओगे मैं तो जी अपने घर जा रहा हूँ अच्छा पेपर लिया पेपर तो मेरा आज है जी अच्छा आज है कहाँ जा रहे हो पेपर कहाँ सेंटर पंचकुला सर अच्छा पंचकुला है हाँ जी सरकार की जो परिवहन की सुविधा कैसी लगी हाँ जी बहुत बढ़िया सर ये अपने सेंटर पर लेके जा रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं बस स्टैंड पर और बस सुविधा कैथल में था आपका पेपर है जी सर कैथल में था पेपर आपका नहीं सर पंचकुला अच्छा हाँ जी और आप कहाँ से बिलोंग करते हो कैथल डिस्ट्रिक्ट है गाँव हरिपुरा हरिपुरा से कहाँ पेपर कल का है पंचकुला पंचकुला कल का है कैसी लगी सुविधा परिवहन की एक नंबर की नमस्कार भाई जी हाँ भाई नमस्कार जी कहाँ से आए हो मैं राजवंता भाई राजवंता कहाँ पेपर अपना पंचकुला है भाई पंचकुला कैसा लग रहा है सरकार का सिस्टम है जो ये बढ़िया है जो अपना कमल का फूल का बटन दबाओ बढ़िया है मौज हुई नहीं राजनीति बात तो नहीं कर रहे बस ये पूछ रहे हैं सुविधा कैसी मिल रही है सही है और सरकार इस तरह बढ़िया सुविधा के देख सारे बस स्टैंड में जितनी सवारी है उतनी बस है अच्छी बराबर है राम राम जी ठीक है राम राम कहाँ से आए हो मैं राजू से आया अच्छा राजन तो आपका कहाँ पेपर हाँ मेरा जी चंडीगढ़ है जी अच्छा सरकार का कैसा प्रयास लग रहा है सही प्रयास लग रहा है सरकार जी क्या परेशानी लगी क्या सुविधा लगी आपको स्कूल के ड्राइवर हो सारी सुविधा नहीं और रहने की सुविधा नहीं परेशान में गिर रही है ना पानी ना बाथरूम आपकी बस की ड्यूटी कहाँ से कहाँ की थी आए कहाँ से हो स्कूल में सेंटर है गया वो पी एन कलीर पी है किसी ना किसी से आप मिले नहीं मिलना क्या जी बस नहीं अपनी परेशानी बताई है जी हम से आपसे किसी और से मिले तो किसी अच्छा जी तो जो आपको लगाए हो कोई आपकी सैलरी वगैरह क्या सैलरी तो फिक्स है तो एक्स्ट्रा हो गया नहीं रात की मान लो स्कूल है स्कूल में रात तो वो काम नहीं रात को दो हाँ यहाँ पर दो दिन दिन रात वो पीने का वहाँ गेट रखे परेशान वहाँ को पीने का पानी भी नहीं था अच्छा क्या सुविधा वगैरह कोई दे कुछ भी नहीं मतलब स्कूल में सेंटर आ गया सेंटर पेपर चल रहा है वो पीएन लग के रहा है कहने की बात यह जो स्कूल के ड्राइवर कनेक्टर थे उनको कोई सुविधा नहीं वो सुविधा नहीं ना वो अलग से उनको एक्स्ट्रा खर्चा ना तो भाई खाने पीने की सुविधा ना कोई टाइम टेबल की सुविधा खाने पीने की तो ऐसा स्कूल वाले दे रहे खाने पीने का पूरा खर्चा दे रहे हैं अपनी तरफ से हां उसकी कोई दिक्कत नहीं स्कूल वाले टाइम टेबल की लेकिन वहां पर पानी भी नहीं था रात को पीने के लिए यहां पर गेट रखे स्कूल वाले ने भी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो ड्राइवर कनेक्टर सेवा दे रहे हैं अपनी इन भाइयों ने भी अपनी समस्या रखी है और भी साथी है इनसे बात कर भाई सब कहाँ जाओ बसिया कोई सुविधा कुछ है भाई देखो भाई कुकर लटक लटक के जाने लग रही है कितना कम ही सामने आने लग रही है कोई रोडवेज की सुविधा नहीं मिल रही इन भाइयों को कहना है लो भाई देखो कैथल बस स्टैंड के सामने कितनी ज्यादा भीड़ है स्टूडेंटों की डी ग्रुप के पेपर के कारण ज़्यादा नहीं है।